फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल। और अब आज हम पढ़ने वाले हैं अटेंशन। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में सेंसेशन एंड परसेप्शन के बारे में डिस्कस किया था, बट अगर हम सेंसेशन और परसेप्शन पढ़ते हैं तो इट्स इंडिस्पेंसिबल कि हम अटेंशन की बात ना करें, क्योंकि सेंसेशन और परसेप्शन दोनों के लिए ही हमें अटेंशन की बहुत ज़रूरत होती है। एंड अटेंशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विच इज़ एसोसिएटेड विद सेंसेशन एंड परसेप्शन, एंड वो कैसे एसोसिएटेड है हम आगे पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द अटेंशन, तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि सेंसेशन और परसेप्शन क्या होता है, तो इनके बीच में एक और फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है अटेंशन। तो आप डे टू डे लाइफ में भी देखिए, अगर आपको कोई चीज़ ध्यान रखनी है, आप चाहते हैं वो याद रहे, तो आपको उसको फोकस करना पड़ता है, उसको अटेंशन देना पड़ता है, तभी किसी चीज़ को आप रिसीव कर पाते हो, परसीव कर पाते हो या समझ पाते हो। सो अटेंशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग व्हाट इज सेंस्ड एंड व्हाट इज परसीव्ड। सेंस्ड एंड परसीव में डिफ्रेंशिएशन आपको समझ में आ गई होगी अगर आपने मेरी लास्ट टू वीडियोज़ देखी हैं। तो फ्रेंड्स, अटेंशन ही एक ऐसा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि यहाँ पर डिफ़र करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी पार्टी में जाते हैं, जब आप किसी से कन्वर्सेशन नहीं कर रहे होते हैं तो आपको म्यूज़िक भी समझ में आता है, आप जो सॉन्ग प्ले कर रहे हैं वो भी समझ में आता है, क्या सॉन्ग प्ले हो रहा है, क्या कंटेंट है उसका, वो सब समझ में आता है। बट क्या होता है, इंटरेस्टिंगली आप किसी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन में आप अपने फ्रेंड के साथ हो जाते हो, बात करने लगते हो, एंड उसी दौरान कोई नया सॉन्ग आता है, एंड आप उस कॉन्वर्सेशन में इतने बिजी हो जाते हो कि कॉन्वर्सेशन ख़त्म होने के बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा सॉन्ग प्ले किया था, तो आप नहीं बता पाते हो। आप क्या, मैं भी, कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा अटेंशन नहीं रहता है। सो अटेंशन प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेंसेशन एंड परसेप्शन इन आवर डे टू डे लाइफ। हम क्या सेंस करना चाहते हैं, क्या परसीव करना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं सोच समझना, वो हमारी अटेंशन पे डिपेंड करता है। जो चीज़ हम नहीं रिटेन करना चाहते, अपनी मेमोरी में नहीं याद करना चाहते, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम उसको अटेंशन नहीं देते हैं, इसलिए वो हमारी मेमोरी में नहीं रहता, या यूँ कहे कि आप उसको परसीव ही नहीं करते हो। सो इससे ही एक एसोसिएटेड टॉपिक बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना, वो है इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस। नाउ इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है? इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस का मतलब है व्हेन वी फेल टू नोटिस अ कम्प्लीटली विजिबल थिंग, उसको बोलते हैं लैक ऑफ अटेंशन। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप रोड पे जा रहे होते हो, आपके आंखों के सामने से बहुत सारी कार्स जा रही होती हैं, बट सारी कार्स के ना तो आपको कलर्स याद रहते हैं, ना ही नंबर प्लेट से जो नंबर रहते हैं वो याद रहते हैं, बट सडनली कोई जैगुआर आती है या कोई मर्सिडीज बेंज आती है तो अचानक से आपकी अटेंशन उस पर चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए यूनिक थी, आप उसको देखना चाहते थे, तो उसका जो है कलर, यहाँ तक कि आपको कभी कभी नंबर प्लेट्स भी याद रह सकता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है, कुछ लोगों की मेमोरी पावर इतनी होती है कि जो इंसान इसमें बैठा होता है उसका भी फेस याद रहता है। क्यों? क्योंकि आपने उस पर अटेंशन प्ले करी है। बट जब हमारे आंखों के सामने से बहुत सारी चीज़ें गुजर भी रही होती है, हो भी रही होती है, बट हम उस पर अपना अटेंशन प्ले नहीं कर रहे होते हैं, हमारा फोकस नहीं होता, एंड वी फेल टू नोटिस द कम्प्लीटली विजिबल थिंग, उस बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अटेंशन, उसको बोलते हैं इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस। सो इसके लिए क्या है, इसके लिए एक रिसर्च की गई है, एक रिसर्च बेस्ड एक टॉपिक रहा है, जिसमें कि क्या किया था कि कुछ पार्टिसिपेंट्स लिए एंड उसमें दो लोगों को, दो टीम्स बनाई, एक टीम को ब्लैक ड्रेस पहनाई गई, दूसरी टीम को वाइट ड्रेस पहनाई गई, एंड उनको बोला गया कि आपको बास्केटबॉल्स पास करनी है, एंड जो पार्टिसिपेंट्स थे उसमें जो सब्जेक्ट्स थे उनको बोला गया दे हैव टू काउंट द नंबर ऑफ द टाइम द टीम इन द वाइट पासिस द बॉल। मतलब जो वाइट, जिन्होंने वाइट ड्रेस पहनी हुई है, वो कितनी बार जो है बॉल को पास कर रहे हैं। सो उसमें देखा गया, एंड ड्यूरिंग, जब ये बॉल पास गेम हो रहा होता है उस दौरान एक ब्लैक गोरिल्ला कॉस्ट्यूम पहने हुए एक आदमी भी उसमें से जाता है, बट क्या होता है, 50% यस, नियरली हाफ ऑफ द पीपल हु वॉच दैट वीडियो डिड नॉट नोटिस द गोरिल्ला एट ऑल। मतलब उसमें से जो लोग देख रहे थे, पार्टिसिपेंट्स जिनको बोला गया था कि आपको जो है अटेंशन और फोकस किस चीज़ पे रखना है कि वाइट बॉल कितनी बार पास हो रही है,
वाइट इन द टीम में, पर उन लोगों में से भी नियरली 50% ऑफ लोगों ने उस गुरिल्ला को नहीं देखा जब वो टीम के बीच में से जा रहा था, एंड जबकि वो जो गुरिल्ला था ऑलमोस्ट 9 seconds तक उनकी टीम के बीच में से गया। सो व्हाट दिस शोज, इससे पता चलता है कि जब हम अपना पूरा अटेंशन और फोकस लगाते हैं, जैसे कि पार्टिसिपेंट्स को बोला गया था कि आपको जो है ये ध्यान रखना है कि बॉल कितनी बार पास हो रही है इन द वाइट टीम, तो उन्होंने इस पर इतना फोकस रखा कि वो उन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि उसमें से कोई गुरिल्ला होके गया। तो इस फेलियर ऑफ नोटिस को क्या बोलते हैं, लैक ऑफ अटेंशन, जो कि कम्प्लीटली विजिबल है। गुरिल्ला वॉज कम्प्लीटली विजिबल, बट इन स्पाइट ऑफ इट वो फेलियर था टू नोटिस को बोलते हैं इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस। ये देखिए आप इसमें देख सकते हैं इन द फर्स्ट पिक्चर, देखो वाइट एंड ब्लैक क्लोथ्स में अलग अलग टीम्स है जो बास्केटबॉल पॉज कर रहे हैं, और इसमें से जो है गुरिल्ला पास होके गया। ये देखिए इसमें जो गुरिल्ला है, ये गुरिल्ला पास होके गया है, एंड सब्जेक्ट्स ने या पार्टिसिपेंट्स ने इसको अननोटिस कर दिया, या फिर बोलिए फेलियर टू नोटिस हो गया। इसको बोलते हैं इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस। सो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि होता क्यों है। चलो ठीक है फोकस नहीं किया, बट फोकस होता क्यों नहीं है, व्हाई इट हैपन्स। सो इट हैपन्स क्योंकि हम rather than focusing every tiny detail in the world around us, we like to concentrate on the things which are important to us. मतलब हम जो है हमारे चारों तरफ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं छोटी छोटी डिटेल्स में, अगर हम ये सब कुछ कलेक्ट करने लग जाएंगे, सब चीज़ को अटेंशन देंगे, तो there will be bombardment of information and there will be a state of confusion for us, जिसकी वजह से हम कुछ भी ढंग से इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। तो क्या करते हैं हम, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट करते हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, एंड जिसके लिए हम वी रिलाई ऑन आवर एग्जिस्टिंग स्कीमास। स्कीमास क्या होते हैं, मेंटल मैपिंग। मैंने अपने लास्ट वीडियोज़ में भी बहुत बार बताया है कि हमारे माइंड में कुछ मेंटल मैप्स बने रहते हैं जिसके वजह से हम लोगों को एनवायरमेंट को सराउंडिंग को परसीव करते हैं, एंड वी ट्राई टू फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब क्या है, जैसे कि आप किसी को बोले आप बहुत डैश हो, तो ये उसकी परसेप्शन पर डिपेंड करता है कि वो क्या बोले, क्या बोलना चाहते हैं। कोई सोच सकता है कि आप बहुत अच्छे हो, या फिर आप बहुत बुरे हो, आप बहुत सुंदर हो, आप या फिर कुछ और भी। तो वी ट्राई टू फिल इन द गैप्स, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है और अगर उसमें कुछ मिसिंग होता है तो हम उसको फिल करने की कोशिश करते हैं। एंड ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे स्कीमास जो कि बचपन से लर्न करते करते हम बड़े हो जाते हैं, तो ये मेंटल मैप्स जो हैं, ये स्कीमास जो है हमारे ब्रेन में डेवलप हो जाते हैं, इनको कहते हैं स्कीमास। सो आवर अटेंशनल कॉग्निटिव प्रोसेसिंग रिसोर्सेज आर सो लिमिटेड दैट अलाउज अस टू डेडिकेट देम टू व्हाट मैटर्स मोस्ट and while still allowing us to have complete and seamless experience। जैसे कि मैंने बताया जो हमारा अटेंशन है, हम सारी चीज़ों पर फोकस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हमारी जो कॉग्निटिव जो मेंटल प्रोसेसिंग है बहुत लिमिटेड है, हमारी जो वर्किंग मेमोरी है बहुत लिमिटेड रहती है। इसीलिए जब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है लॉन्ग टर्म से, तो आपको उसको वर्किंग मेमोरी में लाना पड़ता है, तब उसको आप यूज़ कर पाते हो। तो इसलिए हमारी जो मेंटल प्रोसेसिंग है इतनी लिमिटेड है, इसलिए हम इस प्रोसेसिंग को सिर्फ उन चीज़ों को डेडिकेट करते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से ये इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस होता है। नाउ नेक्स्ट कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, सिग्नल डिटेक्शन। नाउ फ्रेंड्स मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मदर्स होती हैं, उनका बेबी जो है वो रात को सो जाते हैं, बेबी छोटा सा भी मर्मर करता है, कुछ भी करता है, वो एकदम से उठ जाते हैं। वो क्यों उठ जाते हैं, ये सोचने वाली बात है, जबकि और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं रात को, बट उससे नहीं उठते। बट मदर इज़ क्विकली अवेकन्ड विद स्लाइट मर्मर, या बच्चे की आवाज़ से या रोने से या कुछ भी करने से पता चल जाता है। सिमिलरली ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे जो रडार्स पे रेडिएशंस आती है, जो सिग्नल्स आते हैं प्लेन्स को डिटेक्ट करने के लिए, वो भी देख लेते हैं, स्मॉल ब्लिप, जैसे कि आप और मैं नहीं कर पाएंगे, हालांकि वो ट्रेंड होते हैं, बट वो स्मॉल रडार जो स्क्रीन्स पे आ जाते हैं और उनको फिर वो फॉलो भी कर लेते हैं। वो एक्चुअली क्यों हो पाता है, वो इसलिए हो पाता है क्योंकि ऑफकोर्स वो ट्रेंड होते हैं, बट देर इज़ अनदर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, इज़ दी मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब है कि हम जो है मीनिंगफुल स्टिमुलस
वी कैन कैच एंड दैट इज़ द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द ट्रू सेंसरी स्टिमुलस एंड द बैकग्राउंड नॉइज. जैसे कि पार्टी में जब बहुत सारा म्यूज़िक भी होता है बट जैसे ही आपको कोई बुलाता है आपके नाम से, आप सडनली पीछे से देख लेते हो, अरे ये तो मेरा नाम पुकार रहा है, जबकि बैकग्राउंड नॉइज़ और ये सब कुछ हो रहा होता है. क्यों? क्योंकि उसमें हमारे इमोशंस इन्वॉल्व है. इमोशंस, आप अपने इमोशन अपने नेम के साथ इन्वॉल्व हो और कहीं ना कहीं एक लेवल का मोटिवेशन वहाँ पे है, तो उसकी वजह से सिग्नल डिटेक्शन पॉसिबल हो जाता है. ये सिग्नल डिटेक्शन का प्रोसेस वर्ल्ड वॉर टू में स्टार्ट हुआ था. एक्चुअली ये तभी था जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स जो हैं फाइटर प्लेन्स को डिटेक्ट करना चाहते थे. उसके बाद ही ये साइकोलॉजी का सब्जेक्ट के टॉपिक में भी ये बहुत बड़े डिस्कशन में रहा. तो उसके पीछे मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल रहा कि व्हेन वी आर मोटिवेटेड टू नो समथिंग, कुछ जानने के लिए, जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स जो होते हैं उनको दे आर मोटिवेटेड कि ये फलाना जो प्लेन है इसकी इसको यहाँ लैंड करवाना है, इसको इस टाइम पे पोजीशन देनी है लैंड करने की, तो वो जो है सिग्नल उसी हिसाब से भेजते रहते हैं बाय डिटेक्टिंग कि वो कहाँ पे है रडार पे. सो द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई स्टिमुलस व्हेन इट इज़ एम्बेडेड इन द डिस्ट्रैक्टिव बैकग्राउंड इज कॉल्ड द सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी. सिंपली ये है कि बैकग्राउंड में कुछ भी हो रहा हो बट उसके बावजूद भी आप जिस स्टिमुलस के लिए मोटिवेटेड हैं, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और एम्बेडेड है आपके स्कीमा में, मेंटल मैप में, वो आप डिटेक्ट कर लेते हो, उसको बोलते हैं सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी. तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द अटेंशन, इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस एंड सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी. आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. एंड अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल बटन दबाइएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा, सो दैट आई शुड बी मोटिवेटेड टू मेक सच वीडियोज़ फॉर यू विच आर बेनिफिशियल फॉर यू. थैंक यू सो मच.